अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स फिज़िक्स की वो शाख विच डील्स जो कि डील करती है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे विद दी चार्जेस। चार्जेस में लेकर हम लोग पढ़ेंगे एट रेस्ट, कौन से चार्जेस जो रेस्ट पर होंगे, जो कि स्टैटिक होंगे, स्टेशनरी होंगे। मीन फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम लोग स्टैटिक या स्टेशनरी या फिर साकिन चार्जेस मतलब पढ़ेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग चंद बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। व्हाट इज़ मेंट बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब अटोमिक पार्टिकल्स दैट दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। चार्ज स्टूडेंट्स, इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब अटोमिक पार्टिकल। जिस सब अटोमिक पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट दे, जिसकी वजह से दैट दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से वो सब अटोमिक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस बेसिक प्रॉपर्टी, इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देंगे चार्ज का। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे सब अटोमिक पार्टिकल कौन से पार्टिकल हैं। तो अगर हम लोग सब अटोमिक पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इट मीन्स दैट वो तमाम पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बना है, उन्हें हम लोग नाम देंगे सब अटोमिक पार्टिकल्स का। स्टूडेंट्स, इन सब अटोमिक पार्टिकल में से चंद सब अटोमिक पार्टिकल कंटेन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो चंद सब अटोमिक पार्टिकल का चार्ज कंटेन करना है, ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज असाइन बाय नेचर टू देम, जो कि नेचर्स की तरफ से इन्हें असाइन किया जाता है। सेकेंडली, अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो चार्जेस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अगर हम लोग देखें इन सब एटॉमिक पार्टिकल को, तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कंटेन करना, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कंटेन करना, ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ असाइन बाय नेचर टू दैम, जो कि नेचर की जानब से इन्हें असाइन की जाती होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स दैट जब दो एक जैसे चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। सेकेंडली, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज से मुतलिक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस थे, ये सबसे पहले कूलम्स ने इनकी मेजरमेंट की थी, कूलम ने इन्हें एक्सप्लेन किया था। तो चार्ज का जो यूनिट है उसे हम लोग कूलम्स का इनाम देते हैं। और ये जो चार्जेस के दरमियान में रिपल्शन की फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है, इसे भी, इसका जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस था, तो वो भी फर्स्ट टाइम कूलम ने ही एक्सप्लेन किया था, जिसको हम लोग नाम देते हैं कूलम्स लॉ का। और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही अल्लाह।